सम्मानित मंच एवं हमारे बीच उपस्थित हमारे अध्यापक आया मंत्री पत्रकार छायाकर मुझे आज बड़ा गर्व का क्षण महसूस हो रहा है कि हमारी शाखा भारत विकास परिषद गौतम बुद्ध नगर शाखा के आतिथ्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत की जो विकास रत्न प्रांत है ने यह अवसर दिया है कि हम वर्ष 2021-22 में जिन भी व्यक्तियों ने जिन भी शाखाओं ने और परिषद परिवार ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं समाज के उत्थान के लिए, विशेषकर कोरोना महामारी का जो समय पहला आधा छह महीने वर्ष आधा छह महीने में जिस प्रकार से सेवाएं की हैं उस सेवाओं को पुरस्कृत करने के लिए पहचान देने के लिए प्रांतीय टीम ने हमारे शाखा को चुना। आप आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जैसा कि धनर में भी आप देख रहे हैं संपर्क सहयोग संस्कार सेवा समर्पण इन पांच मूल मंत्रों के साथ में हमेशा राष्ट्र धर्म को ऊपर रखते हुए अपने कार्य में सम्मिलित रहते हैं। राष्ट्रीय सेवक श्रम सेवक संघ की एकमात्र पारिवारिक सदस्यता वाली इकाई है। इस वर्ष प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत प्रांतीय कृतज्ञता प्रांतीय सम्मान समारोह के साथ में आयोजित किया जा रहा है जो कि हमारे ही शहर के एक अग्रणी इंस्टीट्यूट जी आर बजाज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा और प्रातः 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। इन प्रांतीय सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गौ सेवा भारत को जानो विज्ञान को जानो राष्ट्रीय समूह ग्राम प्रतियोगिता रक्तदान नेत्रदान स्वास्थ्य शिविर कोरोना काल के समय भी किए हुए गए अर्पण सेवा और कई ऐसे प्रकल्प जो शब्दों में नहीं आते लेकिन पूरे मन भाव से हमारे सदस्यों ने किए हैं उनको आंकलन करते हुए उन लोगों को इसलिए पुरस्कृत किया जा रहा है जिससे कि समाज के अंदर अन्य जो लोग कार्य करते हैं वो भी तो समाज कार्य में संलिप्त होने के लिए आ गए हैं प्रेरित। ये कार्यक्रम में लगभग 200 सदस्यों को परिवार के सदस्यों को शाखाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 4 घंटे कम से कम अपने पुरस्कार वितरण में लगेगा जिसमें हमारे शहर के प्रांत के और राज्य के उच्च स्तर के पदाधिकारी गणमान्य लोग आएंगे और उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जिन लोगों ने ये उत्कृष्ट कार्य सेवा कार्य संपन्न किए और एक मौका मिलेगा प्रांत की आई सभी शाखाओं को उनके बारे में जानने के लिए कि उन्होंने अपने अपने शहरों में अपने अपने क्षेत्रों में जो सेवा कार्य किए हैं उससे कितना हम लोगों ने सहभागिता दी है। क्योंकि जब से सूचना का अधिकार का हमको मौका मिला है या जितना हमारी पत्रकारिता बढ़ी है या संवाद बढ़ा है उसमें सब लोगों ने तो जान लिया कि मेरा अधिकार क्या है, लेकिन भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जिसने हमेशा से इस बात के लिए जागृत किया है कि मेरा कर्तव्य क्या है। हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, हर चीज़ को सरकार के द्वारा नहीं कराया जा सकता है। जब हम कहते हैं सरकार हमारी है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि सरकार के साथ मिलकर हम अपने समाज के लिए अपने परिवार के लिए क्या करें और ये भारत विकास परिषद अपनी कार्यशैली से और आगे बढ़कर करता आया है और करता रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब पत्रकार बंधुओं का हमें विशेष सहयोग चाहिए जिससे समाज के अंदर संदेश ये जाए कि किस प्रकार से लोग अपना तन मन धन के साथ साथ में इस विकट परिस्थितियों में अपने परिवार को पीछे रखते हुए अपने व्यवहार को पीछे रखते हुए किस प्रकार से समाज के सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा हमारी महिला समिति का श्रीमती सविता शर्मा जी। सविता शर्मा जी न केवल भारत विकास परिषद के साथ जुड़ी हैं अनेकों अलग संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और कभी भी किसी भी व्यक्ति ने कभी भी किसी भी कार्य के लिए अगर उनको संपर्क किया है
तो बिना उसका प्रदर्शन करे या बिना प्रचार करे उन्होंने उसकी सहायता की। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग को इस क्षेत्र के पत्रकार बंधुओं के साथ में आप लोग खोजी पत्रकार भी है और आपको सब सच्चाई पता है, जिस प्रकार से इस जिले में पूरे प्रदेश को नहीं पूरे राज्य को अपना सहयोग दिया है चिकित्सा सेवाओं में, उसमें अगर सबसे ज्यादा सहयोग मिला है तो उसमें सहयोग करने वालों में एक महिला ऐसी भी है जो सविता शर्मा जी हैं, क्योंकि हमारे पास देश प्रदेश से भारत का परिषद के कारण या सभी के कारण जो भी फोन आए रात को 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे हमेशा से सविता शर्मा जी ने दिनेश शर्मा जी ने हर तरीके से जितना संभव हो चुका ऑक्सीजन का भी इंतजाम कराया, बेड भी अवेलेबल कराए, वैक्सीनेशन के लिए भी मतलब निरंतर लगे रहे। कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि या कभी ये सुनने को मिला कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती।